अगले 7 दिन आपकी लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, नेक्स्ट 7 डेज, चले देखते हैं। यहाँ पर 2 नंबर्स का चुनाव करना है, पाइल 1 या पाइल 2, कोई भी एक चुने, नंबर 1 या नंबर 2। मैं बताती हूँ, जिन्होंने यूनिवर्स नंबर 1 चुना है उनके अगले 7 दिन कैसे गुजरेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पास ऑप्शन और अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी आएंगे इस हफ्ते, नेक्स्ट 7 डेज आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, ऑप्शंस भी मिलेंगे, लेकिन आप काफ़ी कंफ्यूज रहेंगे और आप एक साथ काफ़ी ज़्यादा काम करते हुए नजर आएंगे, एक साथ मल्टीटास्किंग होगी बहुत सारी जगहों में। ये पूरा अगर वीक मैं कहूँ तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन से भरा रहेगा, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे ये करें या ये करें, या एक साथ इतने काम में हाथ डालेंगे कि कोई ना कोई काम अधूरा रह सकता है, इसलिए अपने काम को ज़रूर पूरा करें, तो ये हफ्ता बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। पाइल नंबर 2, जिन्होंने नंबर 2 चुना है, यूनिवर्स मुझे बताया उनके 7 दिन कैसे रहेंगे। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप पूरे 7 दिन अपने आप से काफ़ी प्यार करेंगे, आप सेल्फ लव करेंगे, किसी सैलून जा सकते हैं, अपने बाल वाल कटवाएंगे या मेडिटेशन करेंगे, आप अपने आप पे बहुत ध्यान देंगे, आस्तिक काफ़ी रहेंगे, स्पिरिचुअलिटी को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते नजर आएंगे, ईश्वर के प्रति आपके मन में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और लव होगा और काफ़ी ज़्यादा लोगों से आप जो है प्यार से बात करेंगे और प्यार बांटेंगे। सो इसी तरीके की रीडिंग्स को देखने के लिए लाइक शेयर फॉलो करने में कोई कंजूसी ना करें और कमेंट बॉक्स में जाकर इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।